आज धनबाद में भारतीय सेवा वाहिनी की ओर से प्लास्टिक मुक्त और हरियाली युक्त महाअभियान का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इन लोगों की ओर से पूरे धनबाद में लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने का कार्य ऐसे शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में तमाम धनबाद के दिग्गज लोग मौजूद थे, धनबाद के सांसद, धनबाद के विधायक, तमाम ये लोग आए हुए थे और साथ ही साथ कई अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग फील्ड से पर्यावरण को लेकर जागरूक रहने वाले लोगों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। आइए हम इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या योजना है इनकी पर्यावरण को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से इस बार पूरे देश की अगर हम बात करें और खासतौर से अगर कोलांचल धनबाद की बात करें तो गर्मी का जो असर देखने को मिला है, मॉनसून को आने में जो डीले हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं पर्यावरण एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या योजना है और आने वाले वक्त में कितना असर इसका धनबाद पर देखने को मिलेगा। ये भाजपा का काम नहीं है, सर्व समाज का काम है। सर्व समाज को मिलकर के धनबाद को पॉलिथिन मुक्त करना है, पर्यावरण युक्त करना है, जल संरक्षण करना है। हर घर में थैला देने का काम कर रहे हैं, 5 लाख थैला बनवाया है। हम सब मिलाकर के सर्व समाज घर से बाहर का थैला लेके जाना है, सब्जी लाना है, सामान लाना है, थैला लाना है, पॉलीथिन से मुक्त करना है धनबाद को। इसका एक अभियान पीछे सेवा भारत नाम का संगठन चल रहा है, इसे संकल्प लिया, एक छोटा प्रयास किया है, एक बड़ा प्रयास बनाने का काम करना है, इसके लिए एक संगोष्ठी का कार्यक्रम किया है। आज प्लास्टिक यूज़ को लेकर और पर्यावरण को लेकर यहाँ पर क्या संदेश दिया गया, लोगों तक क्या मैसेज पहुँचाने का प्रयास किया? देखिए, धनबाद में पॉल्यूशन की समस्या है और उसके कारण भी हैं। आप देख रहे हैं कि कोलेरियो में आग लगी हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड, तो निश्चित रूप से जीवन के लिए पर्यावरण संतुलित रहे यह आवश्यक है। और पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कई प्रकार के उपाय हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपाय है कि वृक्ष लगाइए। और हमने यह भी आह्वान किया है कि सामाजिक संस्थाएं या व्यक्तिगत तौर पर यह निर्णय लेने का काम करें कि किसी का श्राद्ध हो, किसी का शादी हो, किसी का बच्चे का जन्मदिन हो या कोई सामाजिक खुशी का अवसर हो तो एक वृक्ष जरूर लगाएं, ताकि इससे हमारी जीवन रक्षा हो। या किसी दूसरे को उपकार नहीं कर रहे हैं, या जो वृक्ष लगा रहे हैं वो अपने लिए लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से धनबाद के लोगों को आह्वान करूंगा कि जहां प्लास्टिक मुक्त भी रखें, वहीं पर पर्यावरण को नियंत्रित रखने के लिए, वहां पॉल्यूशन को नियंत्रित रखने के लिए वृक्ष भी लगाने के मुख्य रूप से हमें यह इस बात के की कोशिश करने के लिए, संकल्पित होने के लिए ये कहा क्या हमको चाहिए भी कि हम पहला तो जल संरक्षण करेंगे, दूसरा हम वृक्ष को बचाएंगे, तीसरा प्लास्टिक का कम से कम हम उपयोग करें, हम ऐसे रास्ते खोजेंगे, ऐसे विकल्प खोजेंगे जिससे कि प्लास्टिक का हम कम से कम उपयोग कर सकें। तो ये दो तीन बातों का संकल्प लेकर के हम अगर यहाँ से जाएं और इन दो तीन विषयों पर हम प्रयत्न करें तो हम समझते हैं कि बहुत हमारे लिए यह पुण्य का कार्य होगा, मानवता के लिए पुण्य का काम होगा और मानवता की हम सेवा कर सकते हैं। आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था धनबाद में, विशेष रूप से किस चीज़ को लेकर किया गया था और इसका कितना असर धनबाद के लोगों पर देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में? जैसा कि मैंने पहले भी अपने इस संगोष्ठी में बताया कि 2019 में जब बहुत सारे पेड़ कट रहे थे, उसी समय हम लोगों ने कुछ युवा भाई बहनों के साथ मिलकर एक प्रयास किया और सबने अपने पॉकेट मनी से, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे आप जैसे मेरे भाई बहन हो, सबने अपने पॉकेट मनी का कुछ कुछ हिस्सा निकाला और पौधारोपण बहुत बृहद पैमाने पर किया। कुछ पौधे बचे, कुछ पौधे खराब हो गए, हम लोग को थोड़ा सा मायूसी हुआ, लेकिन फिर पूरे जोश, फिर जुनून के साथ हम लोगों ने फिर से घर घर जाकर पौधे बांटने का कार्यक्रम किया और उसी क्रम में आज से हम लोग पूरे इस वैश्विक प्रदूषण के जो माहौल से जो जूझ रहा है, उसी क्रम में धनबाद में आप देख रहे होंगे कि धनबाद में प्रदूषण का क्या स्थिति है। अभी आप ही लोगों के मीडिया के माध्यम से इस बार जो है 44 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में घर में बैठे बैठे लोगों की मृत्यु हो गई, बड़ा दर्दनाक और बहुत दिल को दहला देने वाला है। इसलिए मैं आज से अपने पूरे भाई बहनों के साथ मिलकर, पूरे धनबाद जनों के सहभागी के साथ मिलकर
घर घर जाकर जो है ना उनसे प्लास्टिक छोड़ने का आह्वान करके और हम लोग 5 लाख घरों में जाकर झोला बांटेंगे, उनमें जागरूकता पैदा करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आप जब हाट बाज़ार जाएँ तो झोला लेकर जरूर जाएँ। पौधे को भी हम लोग इस बार लगाने का लक्ष्य रखे हैं, पौधा का हम लोग जो है बॉल बनाकर उसको फेंकेंगे जिससे उसमें भी पौधा जन्म ले। इस सारी व्यवस्थाओं के साथ आज से हम लोग लगे और लंबे मिशन के साथ लगे हैं, धनबाद को सब लोगों को मिलकर बचाना है। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री कर्मवीर जी आए हुए थे, उन्होंने भी लोगों को संदेश दिया कि कैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल हम अपनी डे टू डे लाइफ में कम कर सकते हैं, जो कपड़े के झोले होते हैं, जो बैग होते हैं, उसका इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने लोगों को जागरूक किया। इसके अलावा इन्होंने बताया कि लोग प्लांट तो लगाते हैं लेकिन प्लांट लगाने के बाद उसकी केयर करना भूल जाते हैं, तो प्लांट लगाने के बाद उसकी प्रॉपर केयर करना भी उतना ही ज़्यादा आवश्यक है। इन्होंने बताया कि 2019 में हमने जब बात की यहाँ पर तो इन लोगों ने बताया कि 2019 में काफ़ी पेड़ काटे गए थे, जिसके बाद इन लोगों ने खुद से एक अभियान चलाया था और इंडिविजुअली हर एक इंसान से पैसे कलेक्ट करके पेड़ लगाए थे, प्लांट लगाए थे, जिसमें कई पेड़ जो है वो बड़े हुए, कुछ मुरझा भी गए, कुछ मर गए, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने हार नहीं मानी और ये अभियान आगे भी जारी रहा। आज इन्होंने बताया इस जो अभियान की शुरुआत की गई है प्लास्टिक मुक्त और हरियाली युक्त, साफ तौर पर हम इस टैगलाइन से समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि धनबाद को प्लास्टिक से मुक्त बनाना है, प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी है कि कैसे इसका इस्तेमाल नहीं करना है ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, और साथ ही साथ पेड़ पौधे लगाने को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की बात कही। इन्होंने बताया कि हम आने वाले वक्त में प्रत्येक घर में जाएंगे और सभी घरों में कपड़े का बैग देंगे और साथ ही साथ एक प्लांट भी गिफ्ट करेंगे ताकि लोगों के अंदर भी जागरूकता है। तो एक अच्छी इनिशिएटिव यहाँ धनबाद में देखने को मिल रही है, क्योंकि धनबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि झरिए में हमेशा धधकती हुई आग के नीचे झरिया बसा हुआ है, टेम्परेचर हाई रहता है, पॉल्यूशन रहता है। तो अगर इस तरह से प्रत्येक इंसान धनबाद का थोड़ा इनिशिएटिव लेता है, पर्यावरण को लेकर सजग होता है, तो शायद आने वाले वक्त में आज जो इस बेतहाशा गर्मी से या फिर जो अनइवन वेदर है उससे जो लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों को राहत मिल सकती है। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।